सो गाइस आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गए हूँ एक और न्यू सीक्रेट ट्रिक, जिससे आप अपने पिक का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। अभी ये क्या है ट्रिक इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी आसान ट्रिक है यार। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 100% आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको गैलरी को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि जो भी आप फोटो का मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, स्केचबुक ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर करना है, जो कि आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगी, ठीक है, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए हम स्केचबुक ऑटोडेस्क में ओपन कर लिए। अब मैं आपको न्यू ट्रिक बताऊँगा जिससे आप अपने पिक का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है ट्रिक, तो उसके लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन है जो कि मैं आपको रेड कलर का चिन्ह लगा के दिखा दे रहा हूँ उसमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको इंपोर्ट इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद आपको ये जो येलो बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट कर लेना है, जो कि येलो बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, राइट कर देना है। अब राइट करने के बाद देख लीजिए जो येलो बैकग्राउंड है कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो गया, जो पिक्चर है हमारा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि ये रहा लेयर का ऑप्शन, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जो येलो बैकग्राउंड पे हम लोग टिक किए मतलब इसमें क्लिक करेंगे, येलो बैकग्राउंड पर इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। फिर यहाँ से आपको एक ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन है, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे आपको ढूंढना है हुई, ठीक है, HUE, तो ये रहा हुई, आपको हुई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हुई पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर टच कर देना है। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो फेस में इफेक्ट आ जा रहा है उसको रिमूव कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ से आपको फिर से ये जो ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इरेजर वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो कहाँ, ये रहा इरेजर का ऑप्शन, तो इसका मैं सेटिंग्स दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका अमाउंट इरेजर को रख लेना 100, अपने साइज को अपने अनुसार रख लेना, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पर टच करना है, फिर आप कुछ इस तरह से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो देख लीजिए फेस में इफेक्ट है और रिमूव हो गया है। अब जब भी रिजर्व कीजिए तो देख के कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए हम इस जो पिक का बैकग्राउंड को दूसरा कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से आपको फिर से लेयर पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको फिर से यही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको SLR एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद इसका हुई को कुछ इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो, देख लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। अगर आप चाहो तो इसका सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हो एंड देख लीजिए कुछ इस तरह से आप भी जो कलर आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ से हम येलो कलर रख लेते हैं एंड राइट कर देते हैं। तो ये थी ट्रिक यार, जिससे आप अपने पिक का काफ़ी आसानी तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको यह ट्रिक पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। अब फोटो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको ट्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको शेयर पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनती है यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।